लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज एक बहुत जबरदस्त है ग्लास ब्रिज की तरह। तो सस्पेंशन ब्रिज का जो रास्ता है वो उस तरफ है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं और नज़ारा देखो, ब्लॉग को एंजॉय करो सस्पेंशन ब्रिज की तरफ। पापा ग्लास ब्रिज का क्या एक्सपीरियंस रहा, अच्छे एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय। अच्छा, कल्पना नहीं किए थे हम लोग कि बिहार सरकार का इतना अच्छा देन हो सकता है, और बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम की है। सरकार का काम अद्भुत है, बहुत पर्यटक स्थल बनाने में बहुत उम्दा किस्म का काम हुआ है, और एक नेचर सफारी वास्तव में नेचर सफारी है। चलो यार, ग्लास ब्रिज तो देख लिए, अब देखेंगे सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज भी बहुत फेमस है यहाँ पे, देखते हैं उसमें क्या रहता है और उसमें कितना मज़ा आता है और आपको भी कितना मज़ा आता है। टिकट प्राइस है वो 10 रुपीज़। मैंने बाहर बोर्ड में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, तो मैंने बोर्ड पर पढ़ा था, तो 10 रुपीज़ टिकट प्राइस है। और सस्पेंशन ब्रिज मैंने सुना बहुत हिलता डुलता है, और वो भी ग्लास ब्रिज जैसा ऊँचाई पर है। भाई देखते हैं यार कितना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा तो कर बहुत आ रहा है। I have no words for glass bridge. I have no words. मतलब कि यार शब्द नहीं, मैं कैसे बोलूं? यार I have no words. Glass bridge के लिए मेरे पास एक भी शब्द नहीं है। इतना सुंदर पर्यटक स्थल है नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज, मजा आ गया। और जो आस पास का नजारा है ना, आदमी को अपनी तरफ खींच रहा कि आओ मेरे पास, आप भी जरूर आना। सस्पेंशन ब्रिज की तरफ पहुंच चुके हैं, मैं अच्छे से दिखाता हूँ, वो देखो, वो रहा सस्पेंशन ब्रिज और हम लोग जा रहे सस्पेंशन। सस्पेंशन ब्रिज का जो टिकट मिल जाएगा ले आओ, ले आओ। सस्पेंशन ब्रिज पे वीडियो अलाउड नहीं है यार, तो मैं आपको यही से सस्पेंशन ब्रिज दिखा दे रहा हूँ, कुछ कर तो नहीं सकते इसके आगे, क्योंकि वीडियो और वहाँ पे नहीं है। ये सस्पेंशन ब्रिज बहुत खतरनाक है, बस भाई अंदर वीडियो वहाँ पे हम लोग बना नहीं सकते, वीडियो अलाउड नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसके आगे। इतना मजा आ रहा है इस पर चलने में, इतना हिल रहा है, लग रहा है सब गिर जाएंगे, मजा आ गया भाई। ये सस्पेंशन ब्रिज, ये देखो, ये है सस्पेंशन ब्रिज। और मम्मी कैसा रहा सस्पेंशन ब्रिज? बहुत अच्छा। डर लगा? बहुत ज्यादा। देखो भाई मम्मी को डर लगा, मतलब सही में डरावना था, डर बहुत ज्यादा, लेकिन मजा भी बहुत आया भाई। डर तो हमको भी लग रहा था, सब गिर जाएंगे पीछे, वो रहा सस्पेंशन ब्रिज, बहुत मजा आया। गाइस अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया सस्पेंशन ब्रिज दोनों में। और अब नेचर सफारी बड़ा ज़बरदस्त है, एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है, ग्लास ब्रिज का 125 रुपीज़ टिकट है, और सस्पेंशन ब्रिज का 10 रुपीज़ टिकट। और यहाँ से कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मेरा क्या बोले, एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना एक्सपीरियंस था। ग्लास ब्रिज से हम इसको बराबर नंबर देंगे, लेकिन सही मायने में डर इसमें लगा, इसलिए डरने लगा क्योंकि ये खतरनाक है। डर यहाँ के लोगों के वजह से लगा, इतना हिला दिया ब्रिज को ना कि हम खुद हिल गए, लेकिन हम लोग डेरिंग आदमी है, दोनों तरफ पैर करके पहुँच ही गए हम लोग। अब एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहते हैं यार, ऐसे ब्रिज पे आते तो नौटंकी मत करो, आप ही क्या है, इंसान हो तो इंसान की तरह रहो, गलती से अगर गिर गया तो फिर लेना देना का सीधे चल जाओगे। तो भाई ऊंचाई आप देख ही रहे हो कितना ऊंचा है पहाड़ हर तरफ, देखो वहाँ पे खाली एक एज का लोग नहीं जाता है, एज का इसमें घुटना है प्रॉब्लम है, मान लो उससे स्लिप करके पे तो क्या होगा। वही ना भाई, कूद रहे हो फांद रहे हो सब ब्रिज पे, नहीं शांति से चलो, एक्सप्लोर करो, मस्ती करो, लेकिन भाई ये सब मत किया करो।
नेचर सफारी आते हो तो ग्लास ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज देखना मत भूलना भाई, मजा आ गया। और हम लोग फिर से ग्लास ब्रिज की तरफ आए हुए हैं, देखते हैं क्या पता उसे देखते हैं। और पीछे ग्लास ब्रिज है, ऐसा दिख नहीं रहा, वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर व्यू दे ही दिया, हम पता है कहाँ चढ़े जाली मेरे सब काम कीजिएगा बता दो। तो भाई मेन यहाँ पे मुझे ये लग रहा ना कि यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, मतलब पहाड़ पहाड़ के गाड़ी इतना थक गए ना सस्पेंशन ब्रिज जाने में, इतना थक जाओगे ना जितना ग्लास ब्रिज पे थकोगे उतना सस्पेंशन ब्रिज थक जाओ। मुँह कान धोते हैं थोड़ा। तो गाइस अब ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज से चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या नेचर सफारी में एक्सप्लोर करने के लिए। निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं नेचर सफारी में और क्या एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा एंगल तो ठीक आ रहा है ना, ठीक है। निकल चुके हैं नेचर सफारी से थोड़ा और आगे, हाँ अंदर जा रहे हैं, अंदर थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और बाकी चीज़ें भी होती है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम लोग बैठे हुए अभी बैटरी वाले रिक्शा में। चलो भाई आपको मिलते हैं अंदर। अंदर जाना था 10 रुपये टिकट है, आप बैठो रिक्शा में और आपको वो अंदर 3 किलोमीटर तक छोड़ देंगे, फिर आप घूम कर वापस वहाँ तक चले जाओ। भाई मज़ा आ गया नेचर सफारी। और आप सबका क्या एक्सपीरियंस था? तो कर नहीं सकते